हम जो नैनी प्रोग्राम है जो कि ओपन होने वाला है 1 जनवरी 2024 से, को जो आइल्स का स्कोर चाहिए वो चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के अंदर 4 बैंड। इसके अंदर आप अपने किसी भी रिलेटिव के पास जा सकते हैं जो कि आपको जॉब ऑफर करेगा नैनी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग, दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं केयर गिवर प्रोग्राम, जो नैनी प्रोग्राम है जो कि ओपन होने वाला है 1 जनवरी 2024 से। सो इस प्रोग्राम की पूरी बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे आपको बिना LMIA के आप कनाडा में आ सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर, प्लस आपको जो है बाद में PR मिलने की भी सपोर्ट रहेगी। सो बिना किसी देरी के इस प्रोग्राम के बारे में आपको पूरा बताते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन आ सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके आने में और कितना जल्दी जो है आप यहां पर पहुंच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी की। सो एलिजिबिलिटी जो है इस प्रोग्राम की, ये बोलती है कि आपको जो आइल्स का स्कोर चाहिए वो चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के अंदर 4 बैंड, और बाकी जो 4 मॉड्यूल है जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग हो गया, उसके अंदर आपको 5, 5 और 5 बैंड चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है बहुत कम है। नॉर्मली जो है अगर आपने हाई स्कूल किया है और आपने जो है कोई भी अगर डिप्लोमा भी किया है, डिग्री भी की है, कुछ भी किया है, सो आप इतना स्कोर जो है बहुत ही ईजिली लेके आ सकते हैं। सो जो क्राइटेरिया रखा गया है वो बहुत ही मिनिमम है। नैनी प्रोग्राम है, सो नैनी के तरफ से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जॉब आपकी कैसी रहने वाली है, कि आपको किसी के बच्चे का या प्रेग्नेंट वुमेन का या केयर गिवर का जॉब है, इस तरीके से आपको जो है किसी का ध्यान रखना है अगर किसी को मेडिकल नीड है। सो आप किसी रिलेटिव के थ्रू, कोई आपका रिलेटिव अगर किसी की प्रेगनेंसी चल रही है या किसी को केयर गिविंग चाहिए या कोई किसी का छोटा बच्चा है, सो इस टाइप का कोई भी बंदा जो है आपको जॉब ऑफर कर सकता है, चाहे वो आपका भाई है, कोई कजन ब्रदर है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, या XYZ कोई एम्प्लॉयर भी है, कोई भी इंसान जो है आपको जॉब ऑफर कर सकता है। इसके अंदर आपको कोई भी LMIA की जरूरत नहीं है। सो प्रोसेस जो है बहुत फास्टर है। LMIA की तरह नहीं है कि पहले आपको 3-4 महीने 5 महीने LMIA लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको वर्क वीजा लगाना पड़ेगा, फिर जो है वो वर्क वीजा जो होगा वो एक क्लोज्ड वर्क परमिट के अंदर होगा जिसके अंदर आप जो है उस एम्प्लॉयर के पास स्टक हो जाएंगे। इसके अंदर आप अपने किसी भी रिलेटिव के पास जा सकते हैं जो कि आपको जॉब ऑफर करेगा नैनी की। सो दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोग्राम, और पास्ट में भी जो है ऐसा प्रोग्राम आया था और उसकी प्रोसेसिंग टाइम जो है बहुत फास्टर थी। तो होपफुली हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब ये प्रोग्राम ओपन होना है 1 जनवरी 2024 से, तब जो इसका प्रोसेसिंग टाइम होगा वो भी काफी फास्टर होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट बहुत लोगों का सोचना है कि इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है। एज लिमिट कोई भी नहीं है। सो ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल मान लो कि संजीवनी बूटी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओवर 30 हैं, क्योंकि अंडर 30 वाला तो स्टूडेंट वीजा से भी आ सकता है, LMIA भी उसको मिल जाती है, जॉब ऑफर्स भी मिल जाते हैं, बट जो ओवर 30 है, लाइक 35-40 ईयर्स की एज में लोग हैं, उनके PR के पॉइंट्स भी बहुत कम होते रहते हैं, क्योंकि आफ्टर एज ऑफ 29 PR के पॉइंट्स एवरी ईयर 5-6 पॉइंट जो है कम होते रहते हैं। सो उनके लिए जो है बहुत इश्यू आ जाता है किसी भी तरीके का वर्क परमिट या स्टडी वीजा या कुछ भी ऐसा लेना, उनके लिए जो है ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। वो डायरेक्टली जो है यहाँ ओपन वर्क परमिट पर जो है आ सकते हैं वो लोग। सो एज लिमिट कोई भी नहीं है, कोई भी बंदा इसको अप्लाई कर सकता है। अब इसके अंदर एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन की जो एलिजिबिलिटी है वो है यहाँ पर आपने कोई भी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की होनी चाहिए। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आफ्टर 12th आपके पास कुछ भी हाई स्कूल पढ़ने के बाद आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई भी XYZ आपने एजुकेशन की हो जो कि 2 या 3 साल की या 4 साल की हो सकती है, वो आपने की होनी चाहिए, और आपको जो है कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए नैनी का, लाइक केयर गिवर का, या आपने कोई ऐसा PSW टाइप का पर्सनल सपोर्ट वर्कर का आपने कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो आपका। सो इस चीज के अंदर आप आ सकते हैं। सो ये होगी सारी की सारी एलिजिबिलिटी की बात। अब इसमें अगर LMIA की बात करें, क्योंकि LMIA जो है इसके अंदर चाहिए नहीं, क्योंकि LMIA जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टाइम काफी लग जाता है, बट इस प्रोसेस के अंदर आपको सिर्फ जो है जॉब ऑफर चाहिए। अब जॉब ऑफर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये मिलेगा कैसे, मिलना कैसे आपको अपने किसी भी रिलेटिव, किसी दोस्त या किसी एम्प्लॉयर को जो भी इस चीज के लिए हायर कर रहा है, उसको आपने कॉन्टेक्ट करना है और उसने आपको सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर एक रिटन स्टेटमेंट के अंदर आपको एक जॉब ऑफर करनी है, जिसके अंदर वो सिर्फ अपने तरफ से वो जॉब ऑफर कर रहा है। वो आपका भाई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका जो है बाद में इमिग्रेशन इस चीज को बोल के आपकी फाइल रिफ्यूज कर देगी, आपके ब्रदर ने आपको स्पॉन्सर किया या आपके ब्रदर ने आपको जॉब दी है या आपकी सिस्टर ने आपको जॉब दी है। सो इस केस के अंदर जो है कोई भी आपका रिलेटिव, कोई दोस्त वगैरह, कुछ भी बंदा आपको जो है इस चीज के लिए जॉब ऑफर दे सकता है, और जॉब ऑफर जो है बहुत ही सिंपल जॉब ऑफर है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके अंदर आपका कोई भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी भी आपको कोई भी अगर किसी तरीके का डाउट आता है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं जो कि HRD_भाटिया है, और उसके अंदर मैं यूजली 24 आवर्स के अंदर जो है आपको रिप्लाई दे देता हूं। बाकी जो है अगर आपको और भी कुछ आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपका कैसे आप इस प्रोग्राम के बारे में सोचते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज के अंदर, सो आप अपना एक्सपीरियंस लेना भी स्टार्ट कर दें अगर आपका नहीं है इस चीज में एक्सपीरियंस, क्योंकि नैनी का एक्सपीरियंस कैसे बिहेवियर होता है बच्चे का, वैसे देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को बच्चों का बिहेवियर कैसे बच्चे संभालने ये काफी हद तक पता रहता है,
बट फिर भी अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है और किसी की चाह है कनाडा में आने की, सो वो अभी से अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकता है लेना, थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में पता लगाना. अगर किसी की एजुकेशन नहीं है इस चीज के अंदर, वो भी देख सकता है. एजुकेशन पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के अंदर होना, इस प्रोग्राम के अंदर होना जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस होना ज्यादा जरूरी है. अगर एजुकेशन है आपकी, वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट आई डोंट थिंक कि एप्लीकेशन के अंदर आपका एक्सपीरियंस जो है, आपका जो एजुकेशन है वो मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है. अगर आपकी जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है किसी भी फील्ड में, लाइक नियर बाय भी है, आपने कोई मेडिकल रिलेटेड की है, दैट वुड बी गुड. बट अगर नहीं भी की है और आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इस चीज में अलाइन करता है, दैट वुड बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर यू. और ये प्रोग्राम जो है बहुत बड़ा सक्सेसफुल होने वाला है. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.